हेलो वेलकम बैक टू तनु क्रिएटेड विद लव चैनल पे और मैं आप लोगों का तनु फिर से हाजिर हो गए हूँ वेडनेसडे अमेजिंग फैक्ट लेके। हम पहले कह चुके हैं वेडनेसडे अमेजिंग फैक्ट देखते रहिए और जो लोग उसका सही आंसर देगा उसका नाम मैं अनाउंस कर दूंगा किसी एक वीडियो में। तो तब तक सुनते रहिए, देखते रहिए और मेरा साथ देते रहिए, तनु क्रिएटेड विद लव को आगे लेते चलिए। आप लोगों का सहायता की बहुत जरूरी है। और दोस्तों कैसा लग रहा है ये मेरा अमेजिंग फैक्ट, जरूर कमेंट करके बताना। और मैं शुरू करती हूँ आज का अमेजिंग फैक्ट। और वीडियो शुरू करने से पहले अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो शुरू किया जाए आज का अमेजिंग फैक्ट। आज मैं बताने वाली हूँ 4 अमेजिंग फैक्ट, तो सुनते रहिए, साथ देते रहिए तनु क्रिएटेड विद लव चैनल का। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, नंबर 1 अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों रोलेक्स घड़ी अगर किसी के एक पास हो तो उसका शान कुछ अलग होता है, क्योंकि रोलेक्स घड़ी है विश्व के सबसे कॉस्टलीस्ट घड़ी। लेकिन क्या आपको पता है इस घड़ी का जो कंपनी का मालिक है वो ऑर्फन है। उसका माँ बाप छोटी उम्र में ही गुजर गया, वो ऑर्फन है और इसलिए ये घड़ी का जो वो साल भर में बिक्री करती है उसका 90% प्रॉफिट नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटी के अंदर ये चला जाता है। उसका प्रॉफिट मतलब वो अपना जो बिजनेस में प्रॉफिट करता है तो 90% दे देता है चैरिटी के अंदर में, क्योंकि उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो है ना ये अमेजिंग फैक्ट, विश्व के सबसे कॉस्टली घड़ी लेकिन उसका प्रॉफिट जाता है ऑर्फनेज में। इट इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग बट वेरी वेरी गॉड ग्रेसियस, वेरी गुड वर्क। मेरा पॉइंट नंबर 2 अमेजिंग फैक्ट, ताइवान शहर में वाईफाई एकदम आम पीपल के लिए पूरा फ्री है। ये है ना अमेजिंग फैक्ट, पूरा पीपल के लिए, सारे जनसाधारण के लिए अमेजिंग फैक्ट है ना ये। वाईफाई पूरा फ्री, हम लोगों को तो नेट भरा भरा के काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो सारा आम पब्लिक के लिए ये पूरा फ्री कर दिया है वाईफाई। यही अमेजिंग नहीं है, जो लोग वहाँ पे घूमने जाता है विदेशी पर्यटक के लिए भी ये फ्री है। तो घूम के आइए ताइवान में और अच्छी तरह से ये एंजॉय कीजिए, वहाँ का वाईफाई लीजिए और वीडियो बनाते रहिए, मस्त रहिए। तो है ना पॉइंट नंबर 2 अमेजिंग फैक्ट, रियली अमेजिंग। दोस्तों हर साल हम लोगों का वाइल्ड लाइफ में बहुत सारा पशु पक्षी ऐसा है जो रास्ते से जाने के टाइम में कुचल जाता है गाड़ी के नीचे, लेकिन हमारे यहाँ पे तो कोई उद्योग नहीं है जो उसके लिए कुछ अलग किया जाए। लेकिन सिंगापुर गवर्नमेंट ने इको फ्रेंडली एक इको लिंक ब्रिज बनाया है, वहाँ से पशु पक्षी आराम से जा सकती है, वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जाता, इसलिए वो लोग आराम से वन के तरफ जा सकती है सेफली। तो है ना ये अमेजिंग फैक्ट, पशु पक्षी के लिए वो लोग कितना सोचती है। मैं ये पॉइंट आप लोगों के सामने पेश किए हूँ, हमारा गवर्नमेंट अगर सुने, उन लोगों के लिए कुछ करे तो ये अच्छा बात है। तो है ना पॉइंट नंबर 3 भी बहुत ही अमेजिंग। तो पशु पक्षी को साथ रहिए और उसको उसके लिए कुछ करते रहिए, इको लिंक ब्रिज। तो पॉइंट नंबर 3 भी है ना अमेजिंग। पॉइंट नंबर 4 अमेजिंग फैक्ट का, दोस्तों विश्व के सबसे आलीशान कार कौन सा है आप लोगों को पता है? हाँ सभी को पता है, लेकिन जिसको पता नहीं है मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूँ, फेरारी गाड़ी है विश्व के सबसे कॉस्टलीस्ट कार। अगर किसी के पास हो एक फेरारी गाड़ी या कार तो उसका बात ही कुछ अलग है, क्योंकि वो रिच है ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा। एक ठो ऐसे बहुत ही सुंदर सा फेरारी गाड़ी हो तो बात कुछ अलग ही होता है ना उसमें घूमना। लेकिन क्या आपको पता है ये फेरारी कंपनी में जो लोग एम्प्लॉय है वो कभी जिंदगी में
फरारी गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये आप लोग है ना अमेजिंग फैक्ट, जो लोग वो कंपनी में काम करता है वो खुद ही गाड़ी नहीं खरीद सकता, ये कौन सी बात हुई, लेकिन है यही अमेजिंग फैक्ट। तो मेरा चौथा अमेजिंग फैक्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना सा, फिर हाजिर होंगे तनु दूसरे कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके और इंटरेस्टिंग सा वेडनेसडे अमेजिंग फैक्ट लेके। तो सुनते रहिए, साथ रहिए तनु क्रिएटेड विद लक। एंड दोस्तों ये वीडियो के एंड में मैं करने वाली हूँ अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो दोस्तों नाउ माय क्वेश्चन, मेरा पॉइंट नंबर टू मतलब पॉइंट नंबर टू का अमेजिंग फैक्ट क्या था और उसमें मैं क्या बताई थी, कौन सा शहर में वाईफाई पूरा फ्री है, विच सिटी डिक्लेयर्ड फ्री वाईफाई फॉर ऑल पीपल एंड फॉर द फॉरेनर्स, यही है मेरा आज का क्वेश्चन। तो प्लीज गिव द आंसर एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल डेफिनेटली शेयर द नेम। सो थैंक यू, तब तक लिए टाइट अप, बाय बाय एंड लव यू ऑल।